नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। ठेकेदार अक्षय गोयल मामले को लेकर लगातार कई तरह की बातें अब निकल के आ रही है, क्योंकि जो कार्रवाई अभी हाल ही में की गई है, चार पुलिसकर्मी और दो आरोपी जो बनाए गए उसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इस तरह के कई मामले जो है लगातार पहले भी हो गए होंगे और हाल ही में जो मामला हुआ यह हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए ये सुर्खियों में आया है। ऐसे में इस मामले को लेकर किस तरह के सवाल उठे हैं, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार, जिनसे पूछेंगे जानेंगे किस तरह की कार्रवाई की गई है। महेश जी, क्या मानते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में सामान्यतः ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के पोजीशन से अफीम पाई जाती है सामान्यतः उसी को अपराधी माना जाता है। लेकिन इस मामले में जो समाचार पत्रों से और जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि इस केस को पुलिस ने प्लांट किया है, और यदि पुलिस ने प्लांट किया है तो इस केस में सामान्यतः पुलिस ही अपराधी है। पुलिस ने जावद से नीमच आया, पुलिस वालों ने नीमच पे आकर किसी व्यक्ति को उठाया और उस व्यक्ति का अपहरण करके उसको जावद लेके गए, तो ये अपहरण का मामला बनता है। फिर उन्होंने उसको अपने निजी आवास पर रखा और निजी आवास पर 6 घंटे तक रखा, जो भी अपराध है, और फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके फिर एक झूठा केस बनाने का प्रयास किया है, जो भी अपराध है। तो ऐसे मामलों में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उनके खिलाफ अनुसंधान होना चाहिए। मई जी, एक और क्या माना जाए कि ये तो हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए सुर्खियों में आ गया, लेकिन ऐसे कई मामले पूर्व में आपने देखे हैं, आप तो आपको छुड़वाने भी गए हैं क्योंकि आप एक सामाजिक लेवल पे भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि हाई प्रोफाइल था इसलिए सुर्खियों में आ गया, कई निर्दोष लोग और भी फंसे होंगे? देखिए, विधि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मुझे ये अनुभव है कि सामान्यतः अफीम के जो केस बनते हैं वो 50% से ज़्यादा केस झूठे और फेक केस होते हैं, और उन केसों को रिवेंज की वजह से, मतलब बदले की कार्रवाई की वजह से बनाया जाता है। और कई बार ये प्रश्न हमेशा उठाया गया है कि झूठा केस है, लेकिन पुलिस के पास इस प्रकार का भी पावर नहीं है कि जिससे अफीम प्राप्त हुई है उससे पीछे जाकर अनुसंधान कर सके। ये पहला और बिरला मामला है जिसमें पुलिस नेगेटिव रूप से अनुसंधान कर रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है इस वजह से अनुसंधान नेगेटिव हो रहा है, अदरवाइज कभी नेगेटिव अनुसंधान नहीं होता है। मई जी, क्या कार्रवाई कैसे होती है एनडीपीएस में, किस तरह से मौके पर ही कार्रवाई की जाती है या फिर ऐसे उठा के ले जाके फिर कार्रवाई होती है, क्या मानते हैं आप, किस तरह कार्रवाई करते हैं? एनडीपीएस एक्ट तकनीकी एक्ट है, इसमें बहुत ही गंभीरतम केस अपराध की सजा होती है, इसलिए इस केस में जैसे ही मुखबिर की सूचना प्राप्त होती है सबसे पहले व्यक्ति रोजनामचे में लिखता है, मुखबिर की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल देता है, उसके लिए एक आरक्षक भेजता है और उसको सूचना जाती है, उसके बाद वो दो निष्पक्ष व्यक्तियों को एक नोटिस जारी करता है कि मुझे अफीम का एक केस बनाना है, सूचना मिली है, आप मेरे साथ चलिए। तो दो व्यक्तियों को पंचनामा बनेगा, फिर दो स्वतंत्र व्यक्ति उसके साथ आते हैं, फिर वो दो स्वतंत्र व्यक्ति और आईओ उस स्पॉट पे पहुंचते हैं, फिर स्पॉट से पहुंचने के बाद जो भी व्यक्ति संदेहास्पद होता है उसे रोका जाता है और उसके सामने नोटिस के द्वारा लिखकर दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि मुझे संदेह है कि आपके पास अफीम हो सकती है, आप या तो मुझे जांच दीजिए, यदि आप मुझसे संतुष्ट न हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास चलिए। उसका पंचनामा बनता है और उस व्यक्ति की लिखित सहमति ली जाती है, और उस लिखित सहमति में व्यक्ति देता है कि ठीक है, मैं आपको अपनी जांच कराने को या अपनी गाड़ी की या जो भी वाहन है इसकी जांच करने की अनुमति देता हूँ, और उस लिखित अनुमति के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई होती है। इस प्रकार की सारी कार्रवाइयों की सूचना हमेशा, मतलब वरिष्ठ अधिकारी को जाती रहती है और दी जाना पड़ती है, और ये बहुत ही तकनीकी है, इसके अगर एक भी तकनीकी स्वरूप का उल्लंघन होता है तो आरोपी निर्दोष साबित हो जाता है, उसे कोर्ट बरी कर देती है। मई जी, क्या माना जाए कि इस चेन के बाद जो खुलासा हुआ है तो ऐसे में क्या एक बड़ी जांच जो है होनी चाहिए या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया होगा, ये तो हाई प्रोफाइल था तो मामला सुर्खियों में आ गया, कि इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए, और कोई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं? देखिए, मैं विधि के क्षेत्र में काम करता हूं तो मैं रोज सुनता हूं कि पुलिस ने नीमच में खुद ने अपनी एक एजेंसी बनाई हुई है, अपनी टीम बनाई हुई है, अपनी गैंग बनाई हुई है, जो खुद व्यापारी बनते हैं, जो खुद माल बेचते हैं, जो खुद आरोपी को गिरफ्तार करते हैं और जो खुद ही केस बनाते हैं। तो जब जिसके खिलाफ आरोप है, जिसको अनुसंधान करना है, यदि वो खुद ही संदेह के घेरे में है तो ऐसी दशा में किसी से विश्वास नहीं किया सकता है। और जहाँ तक सीबीआई इंक्वायरी का मामला है, तो जब तक मध्य प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस नतीजे पर न पहुंचे तब तक सीबीआई इंक्वायरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यह क्या वरिष्ठ एडवोकेट महेश पाटीदार, जिन्होंने बताया है कि जो हाल ही में अक्षय ठेकेदार अक्षय गोयल जो मामला हुआ है उसमें एफआईआर जो है दोषी पुलिस कर्मी है उन पर भी होनी चाहिए, और एक बड़ी जांच जो इसमें होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।